तो भाई अपने पास आ गया यहाँ पे 2019 और 2020 के बीच का आईफोन। तो अपने पास है आईफोन 11 और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी थोड़ी बहुत टेक्निकल डिटेल्स वगैरह देख लेंगे और यहाँ पे फोन का जो लुक एंड फील है वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं जल्दी इस फोन की अनबॉक्सिंग। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। तो ये यहाँ पे आ गया है हमारे पास आईफोन 11 और मतलब एप्पल की बात ही अलग है। बॉक्स खोलते ही या बॉक्स हाथ में पकड़ते ही ना मतलब फील आ जाती है पूरी प्रीमियम वाली। अच्छा बॉक्स पे देख लेते हैं तो यहाँ पे भाई आईफोन है, एप्पल का लोगो बना है, आईफोन है एप्पल का लोगो बना है और कुछ नहीं मिलता है। ऊपर आपको एप्पल का जो आईफोन 11 है उसका बैक साइड मिल जाता है। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है तो ब्लैक आ गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बात करें पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको स्पेक्स मिल जाता है। तो 64 GB का मॉडल लिया है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई और उसके बाद ईयर ऑफ इंपोर्ट वगैरह, रेट वेट, IMI नंबर, ये सारी चीजें हैं। जल्दी से करते हैं इसको ओपन और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज आती है। तो भाई बॉक्स को ओपन करने के बाद फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ये पांच चीजें, सामने दिख रही हैं आपको। अब इस पांच चीजों के अंदर ही सब कुछ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केबल की। तो नॉर्मल आपका USB टू लाइटनिंग केबल मिल जाती है यहाँ पे, जो कि टिपिकल सारे आईफोन्स के साथ आती है। 5 वोल्ट का एडेप्टर मिल जाता है जो काम आता है आईफोन को चार्ज करने में, डेफिनेटली उसी काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे मिल जाते हैं आपको आपके टिपिकल एप्पल वाले ईयरफोन्स जो ऊपर से देखने में आपको लगते हैं और धोखा भी हो जाता है बहुत बार कि यार एयरपॉड आ गए क्या, लेकिन नहीं, ये होते हैं ईयरफोन्स। तो यहाँ पूरा खोलते हो तो कहानी सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है। तो ईयरफोन्स रखते हैं साइड में जो कि 3.5 mm नहीं है, ये चीज आप क्लियर कर लेना। ये जो है लाइटनिंग ईयरफोन्स है, ये जो निकलता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसके अंदर आपको एक सिम इजेक्टर पिन आ जाती है जो कि यहाँ पे बताता है कि आपको सिम कैसे बाहर निकालनी है। उसके बाद वारंटी कार्ड आ जाता है, हेलो आ जाता है, एप्पल की कुछ स्टिकर्स वगैरह आ जाते हैं और इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यार ये यहाँ पे आ गया अपने पास आईफोन 11। बहुत कमाल की चीज है, हाथ में पकड़ते ही पूरी फील आती है कि यहाँ सही में कोई फोन वोन मतलब हाथ में है, कमाल की चीज है यार। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि इसके कटआउट्स की यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले साइड बटन मिल जाता है जो कि यूज होता है इसको पावर ऑन ऑफ करने में और सिरी को एक्टिवेट करने में। उसके बाद यहाँ पे जो आप कटआउट देख रहे हो ये और ये यहाँ पे नीचे ये चीज़ बेसिकली ये पूरा जो है ये एंटीना सिस्टम होता है जिसमें इसके सारे सेलुलर एंटीनास इंटीग्रेटेड होते हैं। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे यहाँ पे आपको स्पीकर के कटआउट मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है यहाँ पे और दोनों के अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन है। उसके बाद जो लाइटनिंग जैक है आपकी वो यहाँ लगती है फोन को चार्ज करने में, और उसके अलावा यहाँ पे इसी जैक के थ्रू आप म्यूजिक भी सुन पाते हो, मतलब यहाँ पे चार्जिंग और म्यूजिक दोनों एक साथ नहीं हो सकते। उसके बाद अदर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स बटन आपके यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल और साइलेंट की जो कि फोन को साइलेंट और अनसाइलेंट करने में काम आता है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 6.1 इंच का HD रेटिना डिस्प्ले जो कि एप्पल का पेटेंटेड है। उसके बाद यहाँ पे बात करें इसके जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 1792x828 pixel का रेजोल्यूशन मिलता है, 326 PPI, मतलब काफी कमाल की क्लैरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर जो फोन है आपका वो वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट वगैरह आ जाता है, IP68 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो कुछ है कि ये सारी चीजें भी यहाँ पे काफी ठीक है। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस की बात करें तो A13 का आपको बायोनिक चिप मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा सिस्टम की बात करें भाई तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिल जाते हैं जो कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, एक नॉर्मल कैमरा है, और इसके अंदर 5x जूम कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन मिल जाता है और यहाँ पे ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। फ्रंट में भी आपको 12 MP का कैमरा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों इनबिल्ट मिल जाते हैं और उसके अलावा ऑल ब्लैक स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे छोटा सा नॉच है जो ऐसे आपको पता नहीं लगता है। तो फोन को हम कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से बूट और फिर देखते हैं आगे की कार्रवाई। उसके बाद अगर हम बात करें बैटरी बैकअप वगैरह की, जो एप्पल क्लेम करता है कि भाई यहाँ पे आपको वीडियो प्लेबैक जो है 17 घंटे तक लगातार यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। उसके बाद 65 आवर्स तक आप म्यूजिक सुन सकते हो, 65 घंटे गाने। और उसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो 30 मिनट में ये फोन 50% तक चार्ज किया जा सकता है फास्ट चार्जर को यूज करके। फास्ट चार्जर यहाँ पे साथ में नहीं मिलता है, आपको अलग से परचेज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फेस आईडी सेंसर मिल जाता है और बाकी जो भी नॉर्मल कॉमन सेंसर्स हैं वो सारे सेंसर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी यहाँ पे सारी बातें iPhone 11 के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको फोन जो है काफी कमाल का लगा होगा। ये था वन ऑफ द फ्लैगशिप फोन फ्रॉम एप्पल और फिर इसके साथ ही इस वीडियो को यहां पे करते हैं खत्म। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। वीडियो को करते हैं खत्म फिर से, बाय बाय।